बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में बदमाशों ने खूब उत्पात मचाया। पहली घटना नावकोठी थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव की है, जहां बकायदा रुपया मांगने के विवाद में एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि डुमरिया गांव निवासी सतीश कुमार घर के बाहर सड़क पर था, उसी समय गांव के बदमाशों ने उस पर 4 राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें से एक गोली नीतीश कुमार के बांह में लग गई, जिससे वो घायल हो गया। आनंद फानन में घायल नीतीश कुमार को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस हमको बच्चा को बुला करके 10,000-10,00,000 रूपा ले लिया कीतो यादव, आ कीतो यादव रूपा ले के वो अपन जमीन कीन लिया, आ रूपा मंगल गया तो हमको बेटा पर गोली चला दिया। मांग अथी विशेषर यादव और मन्ना यादव उर्फ नाम है उसको। क्या बजे चल रहे? 8 बजे है। 9 बजे? हाँ 9 बजे रोड पर चलाया, रोड पर जाके घर से निकल के डुमरिया चार फेर किया। वहीं दूसरी घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव की है। यहां जमीनी विवाद में चाचा और चचेरे भाई ने ही अपनी 12 साल की बहन को गोली मारकर घायल कर दिया। वहीं चचेरे भाई को भी तेज धार हथियार से काट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि सच्चिदानंद राय और उसके भाई विवेक राय में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर देर शाम दोनों भाइयों में विवाद हुआ और मारपीट हुई। दोनों माई एक माई ने केना केना झगड़ा होले में सिर्फ चर्चा में चल गेल दिया। एकरा माई ने केना के झगड़ा करे एकरा माई के दौड़े रे मारे ने हमें अलिए अपना जनता हम बेटा बेटा के गोली छीनिए ले लिया ककरे हाथ हम दे दिलिए फिर भी केना जाके फिर 6 मारि देलकै। हाँ 2 गो छन, एगो यहाँ छन एगो वहाँ छन जे ओकरा गस्सा से वएह ने के लिए जमीने भी से झगड़ा होइ रहै। एगो हिस्सेदार दे देलकै आ 2 गो हिस्सेदार नहि देलियै। जकरो जमीन रहै दैए देलकै तऽ हमरा कोई टेंशन नहि कि कहिने देलकै नहि देलकै। ओकरा पत्नी अयलै, ओकरा पत्नी अयलै तऽ अपना पतिके ने कहतिया वएह कहि ओकरा माय अयलै तऽ ला लपटा केना केना गाली दिए लागलै। बस ओकरा बाप उछला पेट खोने लागलै। बस दोनों भाइमे गस्सा गस्सी हुए लागलै। भोरहा एक बेर भेलै, फेर पिछला बेर के होइ साँझ के होलै। वहीं तीसरी घटना नगर थाना क्षेत्र के चाणक्य नगर मोहल्ले की है, जहां बेखौफ बदमाश एक महिला की सोने की चेन झपटकर फरार हो गई। बाद में महिला के चिल्लाने के बाद स्थानीय लोगों ने एक अपराधी को पकड़ लिया, लेकिन 2 अपराधी भागने में सफल रहे। मेरी माँ मार्केट जा रहे थे, माँ को दिखाना था डॉक्टर से। जैसे एमन राय के बीच में आई ना, तो वहाँ पे सीमा रविंद्र वाला बड़ा सा घर है, उसी के जस्ट सम 2-3 लड़का आया। मैं देखी मेरे पीछे से चेन छीन रहा है, मैं जैसे पर जमकर लगा से मेरी माँ बोल कुछ कह रही है। मैं देखी तो लड़का भाग रहा था और मैं उसके पीछे ही भागी तो बोला कि इस गली में घुसा है। मैं उस गली में गई तो वो पानी में डूबक के सोया हुआ था, तो देखी तो उसको पकड़, मैं भी पानी में कूद पड़ी और उसको पकड़े हल्ला किया तो दो चार पहले आए। उसके बाद बहुत सारे लोग मोहल्ला के आगे वो पकड़े, पता नहीं कहीं से थाना के भी आदमी आए और सब मिल के हलाए हैं उसको नगर थाना में। ये घटना मोहम्मदपुर जानक नगर में हुई। हुआ साथ जा रहे थे, लड़की के साथ ले लिया जा रहे थे दिखाने के लिए, रिक्शा जा रहे थे पीछे से आया और सड़क पे वो तोड़ लिया भाग गया उधर। कौन चीज तोड़ लिया? चेन मेरा। अच्छा चेन हम ये आगा दौड़ा, हम पीछा से दौड़े सिगरेट बेटा जाइए हमको बेटी भी मत देगा चेन लेके भागा। वो गली में गया पानी में सो गया, ये आगे हम पीछा सब लड़का अच्छा दौड़ते हैं। 3 लड़का 2 लड़का इधर भागा, 1 लड़का पानी में कूद गया, लड़का वो पकड़ा गया ऐसे ही अंदर में है। बेगूसराय में अब चोर उचक्के बिल्कुल ही बेखौफ हो चुके हैं और दिन दहाड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। वहीं पुलिस भी इन अपराधियों की धर पकड़ में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट।